नमस्कार दर्शकों, भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शंकर थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, इससे बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर जी बहुत ही दयालु देवता कहे गए हैं, बहुत ही कृपालु देवता कहे गए, इसलिए से देवों का देव महादेव कहते हैं। तो शिव मंदिर से ले आए यह एक चीज धन पानी की तरह बरसेगा, सारी दुनिया नाचेगी इशारे में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि शिव मंदिर से ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको लाना है, जिसे आपके जीवन में धन संबंधी समस्या हो, या फिर आपकी कोई बात नहीं मानते, या फिर आप जहां जा रहे हैं आपको नुकसान होना शुरू हो चुके हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। शिव मंदिर से जो चीज लाने के लिए मैं बताऊंगा वह चीज आपको प्राय हर शिव मंदिर में मिल जाएंगी। आप अपने घर के आसपास में जो शिव मंदिर है वहां चले जाइए और यह चीज बिल्कुल ही ले आइए। भगवान शंकर को क्या बोला जाता है? जगत के पिता। जी हाँ, भगवान शंकर को जगत के पिता कहा गया, और कोई भी पिता नहीं चाहते कि उनके पुत्र कष्ट में हो। अगर आप कष्ट से जूझ रहे हैं तो सच्चे मन से एक श्रीफल लेना, एक नारियल लेना और भगवान शंकर जी के मंदिर चले जाना, और भगवान शंकर जी को यह एक श्रीफल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर जी के मंदिर से यह एक चीज लाना है जिससे आपकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे, कैसा भी आपकी बुरा समय चरो वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, भगवान शंकर जी के चढ़े हुए आपको 21 चावल के दाने लाना है। जी हाँ, आप पंडित जी से बोलिए कि महाराज जी हमारे दिन खराब चल रहे हैं, या फिर किसी ज्योतिषाचार्य ने बोला है कि 21 हमें चावल के जो है दाने दे दीजिए। भगवान शंकर जी को चढ़े 21 आपको जो अखंडित चावल के दाने होते हैं जिसे हम अक्षत बोलते हैं, ये लाना है। अक्षत का मतलब होता है न समाप्त होने वाला, ये आपको 21 इसके दाने लाना है, यानी कि चावल के भगवान शंकर जी को चढ़े हुए दाने लाना है, और इसे ला करके लगातार एक दाने एक दिन खाना है, दूसरे दाने दूसरे दिन खाना है। इस प्रकार 21 दिन लगातार आपको भगवान शंकर जी के चढ़े हुए एक एक दाने जो चावल के आप लाएंगे इसे अपने घर के पूजन स्थान पर रख दीजिए, डेली के खाइए, तो आप खुद देखेंगे 21 दिन के भीतर में भगवान शंकर आपके मस्तिष्क में ऐसा चमत्कारिक प्रभाव डाल देंगे, ऐसा गुण डाल देंगे कि आप जहां भी जाइए आपको आपके तरक्की होना शुरू हो जाएंगे, आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे, सारी दुनिया बिल्कुल मित्रों आपके इशारे पे नाचेंगे। ये कोई साधारण मैं उपाय नहीं बता रहा हूं, मैं जो उपाय बता रहा हूं इस उपाय से बड़े आपके जो ग्रह मंडल आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्रहों का जो उतार चढ़ाव हो जाते हैं, कभी कभी जो शनि राहु निज ग्रह नुकसान करने लगते हैं हमारे शरीर पर, कोई व्यक्ति तंत्र बाधा कर देते हैं, हमारे किस्मत को बांध देते हैं, तो सारे समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे 21 दिनों के भीतर में। आप खुद देखेंगे आप एक लक्की व्यक्ति बन जाएंगे, आपके जीवन में धन का भाव नहीं होगा, अगर आप मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी भी आपके लिए सोने होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शिव मंदिर से यह चीज ला करके आपको यह उपाय अवश्य करना है। दूसरा उपाय बता रहा हूं आपको, 5 साफ एवं स्वच्छ बेलपत्र लाना है। अब इसका भी प्रयोग सुन लीजिए, शिव मंदिर से 5 साफ एवं स्वच्छ बेलपत्र लाना है। तो एक बेलपत्र को धन पेटी में रखना है, दूसरे बेलपत्र को अन्न भंडार में, यानी कि जो घर के आपके अन्न भंडार है उसमें डालना है, तीसरे बेलपत्र को कार्यस्थल पर जहां पे आप काम करते हैं वहां पे रखिए, चौथे बेलपत्र को पूजन स्थान पे रखिए, और पांचवें बेलपत्र को तकिए के नीचे में रात में सोने से पहले रख लीजिए। तो अगर रात में सोने से पहले अगर आप रखते हैं तो आपके ऊपर कोई बाहरी हवा अटैक करते हैं, वो अटैक नहीं कर पाएंगे, भगवान शंकर की कृपा से वो रुक जाएंगे। तो बिल्कुल मित्रों आपकी कितना भी बुरा समय चल रहा हो, बुरा भी दिन चल रहा हो, समाप्त हो जाएंगे, आप लक्की आदमी हो जाएंगे, आप मिट्टी को छुएंगे तो भगवान शिव की कृपा से वह मिट्टी आपके लिए सोने बनना शुरू हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब है आप जहां भी जाएंगे आपको प्रगति मिलना शुरू हो जाएंगे। धन की कामना लेकर के यह उपाय करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगा। जिस भी कामना को लेकर के हम वीडियो में 2 उपाय बताए हैं, ये उपाय करते हैं तो उस कामना की पूर्ति भगवान शंकर जी आपकी बिल्कुल ही करेंगे। लेकिन हाँ, भगवान शंकर जी के आप मंदिर जाएंगे तो नंगे पैर जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है, और आपको कच्चा नारियल भगवान शंकर को भेंट करना है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दर्शकों। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।